हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं वैकेंसी नहीं बताने वाला, क्वेश्चन नहीं बताने वाला, वो चीज़ बताने वाला हूं जिससे ये चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, जिससे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, ओके, और वैकेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो सभी को बताने जा रहा हूँ, पूरी इंडिया में बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर भरत बेनीवाल सर, जो हमारे नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो बार बार रैलियाँ कर रहे हैं। आज के 15 दिन पहले रैलियाँ हुई थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। उसमें हमने टाइम वेस्ट किया। तो फाइनली मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम वेस्ट को काम में लेने के लिए जो रैली निकाली जा रही है, डेट आपके सामने है 19 जून को, ओके। तो 19 जून को जो रैली आने वाली है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और इससे जो अपने मुहिम स्टार्ट की है वैकेंसी की, प्लस 20,000 जो सैलरी की हमने मांग की थी, जो कि बोला जा रहा था कि 2018 के अंदर, जनवरी के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी राजस्थान के अंदर, ऑल इवन आर ऑल इंडिया में, बट अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो सैलरी बढ़ी है, ना कोई वैकेंसीज निकली है। राजस्थान की हालत ख़राब है, MP की हालत ख़राब है, इवन हर एक स्टेट की। अभी मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो, आप इसकी मेरे चैनल की देखोगे तो NRHM में, जयपुर में नर्सिंग स्टूडेंट की क्या हालत हुई है, आप देख नहीं पाओगे इस वीडियो को। इतने डंडे मारे ना, आप सच बता रहा हूँ, देख नहीं पाओगे। मैंने खुद ने भी नहीं देखी, मैं फिर मैंने शेयर किया आपके साथ कि देखो अपने साथ क्या हो रहा है। इसलिए बोलो, सब एक हो जाओ, एक साथ हो जाओ, अगर एक रहेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। और भरत बेनीवाल भैया हमारे लिए सर जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनका साथ दें। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरी पर्सनल वीडियो, मैं भी वहाँ आऊँगा, ओके, और सब भी आए। इवन कोचिंग से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें कोचिंग वालों के पास, जो कि मेरी आवाज़ सुन सकें, वो ज़रूर ज़रूर यहाँ पधारें। ये मेरे अकेले का काम नहीं है, भरत बेनीवाल भैया का काम नहीं है, इवन आज सारे ऑल इंडिया के नर्सिंग स्टूडेंट का काम है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश करें। चाहे आप एक दिन काम नहीं करोगे, एक दिन जॉब नहीं करोगे, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम अगर हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, तो अपन को बंद ही करवाना है। अगर हमारी इंपॉर्टेंस घटती है तो हमको बंद करवाना है, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनली मेरा कहना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। खुश रहो, खुश रखो, बाय फ्रेंड्स।